नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। इन्वेस्टर समिट से पहले जगमगाया लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 21 और 22 फरवरी को आयोजित हो रही इन्वेस्टर समिट से पहले शहर फव्वारों और रोशनी से जगमग हो गया है। इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण अब तक सौंदर्यकरण पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इस धनराशि से लैंडस्केपिंग से लेकर सड़क बनाने, डिवाइडर्स की मरम्मत, चौराहों को सवारने, पौधे लगाने और सफाई के काम कराए गए हैं। आयोजन स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को नए सिरे से संवारा गया है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, एनडीए से अलग नहीं होंगे, अटकलों पर लगा विराम। एनडीए में शामिल तेलुगु देशम पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह केंद्र सरकार से बाहर नहीं होगी और न ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर कुछ लोग कह रहे हैं कि केंद्र ने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमारे सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। नायडू ने कहा कि अगर हमारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो राज्य के लिए कौन लड़ाई लड़ेगा। अरबों रुपए के घोटाले के मामले में विक्रम कोठारी के घर पर सीबीआई का छापा। पीएनबी घोटाले के सामने आने के बाद रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी की तरफ से 3,695 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को 2008 से बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बैंकों के एक ग्रुप ने 2,919 करोड़ रुपए लोन दिया था, लेकिन ब्याज दर मिलाकर यह धनराशि 3,695 करोड़ रुपए हो गई है। सीबीआई विक्रम कोठारी के कानपुर स्थित घर पर छापेमारी कर रही है। कनाडा के पीएम की सादगी ने गुजरातियों का दिल जीता। भारत दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के स्वागत में अहमदाबाद में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। इतने महत्वपूर्ण अतिथि के शहर में होने के बावजूद ट्रैफिक आम दिनों की तरह ही रहा। ट्रूडो परिवार की सादगी से गुजरात के लोग काफी खुश हैं। सड़क पर जब सबसे ज्यादा भीड़भाड़ होती है उस समय कनाडा के पीएम का काफिला गुजरा, लेकिन ट्रैफिक को लंबे समय तक नहीं रोका गया। चीन की ओबीओआर के जवाब में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ने बनाया प्लान। चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के जवाब में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत मिलकर संयुक्त क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा योजना बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू के मुताबिक भारत ने यह तैयारी चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए की है। एक अधिकारी ने कहा कि यह प्लान चीन के ओबीओआर को टक्कर देने के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए एक विकल्प है। नेपाल के पीएम केपी ओली ने कहा, चीन के साथ रिश्ते मजबूत करके भारत से लेंगे अधिक फायदा। भारत के साथ रिश्तों में और फायदा लेने के लिए नेपाल चीन के साथ संबंध मजबूत बनाएगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा कि वह और अधिक विकल्पों को पाने और भारत के साथ संबंधों में और अधिक लाभ उठाने के लिए चीन के साथ अपने रिश्तों को और गहरा बनाना चाहते हैं। ओली को चीन का समर्थक माना जाता है। ओली ने कहा कि समय के साथ चलते हुए वह भारत के साथ अपने संबंधों में बदलाव करना चाहते हैं। पहली बार भारत आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक हफ्ते के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। वह गुरुग्राम में अपने लग्जरियस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ट्रंप टावर्स को लॉन्च करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की रियल्टी कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन इसका निर्माण कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ट्रंप टावर्स गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन कोर्ट पर बनाए जाएंगे और गुरुग्राम की सबसे ऊंची इमारत होगी। यह प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा हो सकता है। उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने वाले बैंक बोर्ड ब्यूरो को बंद कर सकती है सरकार। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की गहमा गहमी के बीच अगले महीने बैंक बोर्ड ब्यूरो बंद किया जा सकता है। बैंकों को मानव संसाधन विकसित करने में मदद करने के लिए गठित इस बोर्ड के चेयरमैन विनोद राय का कार्यकाल भी मार्च में ही समाप्त हो रहा है। विनोद राय को सरकारी बैंकों में प्रबंधन स्तर के अधिकारियों में कारोबारी आचार और कार्यशैली विकसित करने के लिए सरकार को सलाह देने का जिम्मा सौंपा गया था। भुवनेश्वर कुमार ने बताया टीम इंडिया की जीत का राज। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान दौरे में भारतीय बल्लेबाजों ने शॉर्ट पिच गेंदों का अच्छी तरह से सामना किया, जो टीम की सफलता का एक प्रमुख कारण है। पहले टी20 में जीत के बाद भुवनेश्वर ने कहा कि जब भी भारतीय टीम विदेश जाती है तो यह माना जाता है कि उसके बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंदों को खेलने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। इस बार हमने ऐसा नहीं देखा। फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान मौनी राय और आलिया भट्ट बनी अच्छी दोस्त। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग इन दिनों बुल्गारिया में हो रही है। इस फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर लीड रोल में हैं, जबकि इसमें मौनी राय भी दिखाई देंगी। फिल्म की शूटिंग के लिए मौनी राय भी बुल्गारिया पहुंच गई हैं। इस दौरान सेट पर मौनी राय और आलिया भट्ट में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। आलिया की कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण से भी अच्छी दोस्ती है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।